हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गाड़ी में आप चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इवन मैं खुद परेशान हूँ। मैं एक शिफ्ट ओनर के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, गाड़ी के अंदर चूहों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हर रोज़ इसके अंदर मुझे चूहों के पैटर्न्स दिखाई पड़ते हैं, उनके पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं, मुझे डेली के डेली दिखाई पड़ते हैं। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ से। तो चूहों से बचने के लिए मैंने अमेज़ोन से एक प्रोडक्ट बाय किया है जो कि आपको गाड़ी में चूहों आने से रोकेगा। मैंने इसको यूज़ किया है, इसके काफ़ी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि आपको जैसा कि पता है, गाड़ी के अंदर जो वायरिंग हार्नेस होती है बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। स्विफ्ट की मैं बात करूँ तो इट्स नियर अबाउट 80,000 अप्रॉक्स, 1 लाख के भी करीब आती है। तो आप इतने बड़े घाटे में ना जाएं, तो उसके लिए मैं एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ आपके लिए। इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको आज बताता हूँ, इसको कैसे यूज़ करते हैं। चलिए इसको यूज़ करके आपको मैं बताता हूँ कैसे हमें इसे यूज़ करना है। बाकी आपको साथ में ये कुछ अमेज़ोन के जो बिल का है, इसके अंदर जो आपको मेन चीज़ मिलेगी मास्क, क्योंकि मास्क हमें मेन रोल है इसमें, क्योंकि मास्क हमें पहन के ही इसे स्प्रे करना है। बिकॉज इसकी जो स्मेल है बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो हाजार्डियस भी है इसके अंदर, हमें पहली इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि हमें इसे पहन के करना है। तो चलिए आइए इसको स्प्रे करते हैं। जो मेन चीज़ है, हमारी गाड़ी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, इंजन पूरा क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ़, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको मैं दिखा दूँ, मैंने गाड़ी को पूरा धो रखा है, इंजन बिल्कुल क्लीन कर रखा है। बिकॉज अगर आप इसको स्प्रे को करते हो, गंदी गाड़ी गंदी आपकी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 2-3 दिन में उसकी स्मेल चली जाएगी इस स्प्रे की, तो चूहे दोबारा से आने लग जाएंगे। तो गाड़ी को बिल्कुल क्लीन कर लेना है, अच्छी तरह से धो लेना है, उसके बाद ही आपको इस गाड़ी के ऊपर इसको स्प्रे करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये मास्क लगा लेता हूँ, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अभी हमें स्प्रे को थोड़ा सा हिलाना है, उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें मेनली वायरिंग पे इसको स्प्रे करना है। गाड़ी पे वैसे तो हर जगह करना है, बट मेनली हमें इसे वायरिंग पे करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी वायरिंग है गाड़ी की, और ये हमारे ECM है, कुछ गाड़ी के अंदर मेन जो जिनका फंक्शन है, इनसे थोड़ा बचा के करना है, ताकि इनके जो कपलर्स हैं उसके अंदर ये स्प्रे ना जाए। थोड़ा सा बचा के भी करना है, काफ़ी सावधानी हमें रखनी है। तो चलिए इसे स्प्रे करते हैं। मेनली जो चूहे हैं, मेनली इस पोर्शन पे आके बैठते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इस पोर्शन पे भी आपको स्प्रे करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गाड़ी के अंदर पूरी अच्छी तरह से हमने स्प्रे कर दिया है। ये स्प्रे आपका 3 टाइम यूज़ हो सकता है। आप इसे वैसे आप एक बार जब इसे यूज़ करेंगे, तो करीबन ये 1 महीने तक आपका वर्क करेगा। अगर आपने अच्छी तरह से इसे स्प्रे किया है, तो 1 महीने तक वर्क करेगा, और इस बोतल को आप 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसका काफ़ी अच्छे बेनिफिट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप तक नई नई वीडियोज़, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पहुँचाता रहूँ। थैंक यू।